हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हम जानते हैं, ग्लास कलर्स जो हम ग्लास में यूज़ करते हैं या फिर ग्लास बॉटल में या जो फ्रेम में जो ग्लास लगा हुआ होता है उस ग्लास में हम जो ये कलर्स करते हैं, तो इस बार मैं कुछ अलग लेके आया हूँ। इस बार हम यूज़ करेंगे माइका शीट में। जैसे कि आपने PHP शीट में भी आपने यूज़ करा होगा, जो ट्रांसपेरेंट शीट आती है उसमें भी आपने ग्लास कलर्स यूज़ करे होंगे। तो इस बार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। ये जो आती है माइका शीट होती है, जैसे आप काउंटर में देखते हैं, काउंटर में या अलमीरा में लगी हुई होती हैं, ये वो वाली माइका शीट हुई। ग्लॉसी में है, ये ग्लॉसी सरफेस में है। तो जैसे हम ग्लास कलर्स यूज़ करते हैं फ्रेम में, जो फ्रेम के जो ग्लास आते हैं उसमें करते हैं, तो हमें उसमें बैकग्राउंड में भी हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, चाहे सिल्वर बैकग्राउंड या वाइट बैकग्राउंड। तो इस बार हम माइका में यूज़ करेंगे, तो माइका में कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट आप 3D आउटलाइनर से, जो ये 3D आउटलाइनर मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, उससे आप आउटलाइन बना के आप ग्लास कलर्स फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्लास कलर्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ग्लॉसी सरफेस में ही आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे चाहे माइका हो या ग्लास हो या कोई भी ग्लॉसी अगर आप चीज़ है, तो उसमें आप ग्लास कलर्स का यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो इसमें वाइट बैकग्राउंड है, तो इसमें कलर्स मैं आज कुछ नया तरीका यूज़ करूँगा, तो आप देखिए कि किस तरीके से ये काम करता है और क्या लुक इसका निकल के आता है। तो वही चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसमें पेंसिल से इसमें ड्रॉ कर लेना है, जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं उससे आप पहले पेंसिल से इसमें ड्रॉ कर लीजिए। तो जैसे मुझे इसमें फ्लावर्स बनाने हैं, तो मैं पहले इसमें फ्लावर ड्रॉ कर लूँगा। और जैसे माइका में भी हम पेंसिल यूज़ करते हैं, अगर आपसे कुछ मिस्टेक भी हो जाती हैं तो आप कोई गीले कपड़े से इसको इरेज करके साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें फ़्लावर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ इस तरीके से फ़्लावर्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो हमें इसमें आउटलाइन बनानी है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ब्लैक आउटलाइन से ही लोग प्रॉपर तरीके से ब्लैक आउटलाइन बनाते हैं। जैसे मैंने और वीडियोस में भी बनाई थी कि ब्लैक आउटलाइन आप पूरा बना सकते हैं, उसके बाद आप इसमें ग्लास कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। जैसे कि मेरे पास 3D आउटलाइनर काफ़ी कलर्स में हैं, तो जैसे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, जहाँ पे ब्लू कलर आएगा तो मैं वहाँ पे ब्लू 3D आउटलाइन का यूज़ करूँगा। जहाँ पे लीफ आनी है ग्रीन कलर से, तो वहाँ पे मैं ग्रीन कलर की आउटलाइन यूज़ करूँगा। और जहाँ पे येलो या रेड आपके फ्लावर्स बनने हैं, वहाँ पे मैं रेड और येलो में गोल्डन कलर जो आता है, ये देखिए ग्लिटर गोल्ड, उसका यूज़ करूँगा येलो वाली जगह पर। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैं 3D आउटलाइन भी अलग अलग कलर के हिसाब से चेंज करके बनाता हूँ। सबसे पहले मैं ब्लू से बना लेता हूँ। जैसे मैंने ये ब्लू से बनाया है आउटलाइन, मैं कुछ आपको पहले इसमें दिखा देता हूँ। जैसे लीफ बनानी है, इस तरीके से आप ग्रीन से ग्रीन लीफ बना सकते हैं। अब रेड कलर में दिखाता हूँ आपको। जैसे मुझे इसमें रेड कलर फिल करना है, तो मैंने रेड आउटलाइन से यूज़ कर लिया है। अब येलो के लिए मैं गोल्ड कलर का यूज़ करूँगा। तो इसी तरीके से हमें सब में इस तरीके से 3D आउटलाइन फिल कर लेनी है, उसके बाद ही हम ग्लास कलर्स का यूज़ करेंगे जब ये ड्राई हो जाएंगे। तो पहले मैं इसमें फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से 3D आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब ये ड्राई नहीं हुआ है, कम से कम 2 या 3 घंटे में ये ड्राई होगा। देखिए, अब ये पूरा ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमें ग्लास कलर्स फिल करने हैं। जैसे मैंने ब्लू बनाया है, तो ब्लू के अंदर ब्लू हो जाएगा, येलो के अंदर येलो, रेड के अंदर रेड। इस तरीके से आपको उसके अंदर फिल करने हैं। तो देखिए, जैसे इसमें बबल्स आ जाते हैं, तो बबल्स के लिए आपको एक स्टिक्स अपने पास रखनी है। वो भी देखिए, इस तरीके की स्टिक हो या कोई पिन हो, उससे आप इस बबल को हटा सकते हैं।
ये देखिए इस तरीके से बबल्स हट जाएगा। और ये स्टिक या कोई भी पेन हो तो वो ब्लेंडिंग के भी काम आती है। ब्लेंडिंग किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए मैंने लीफ बनाई है, उसमें हल्की सी येलो कलर में मैं टिप कर ले रहा हूँ। ये देखिए और इस तरीके से आप हल्का हल्का ना पिन चलाइए तो उससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। बबल्स को भी निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स अब कुछ इस तरीके से लुक आ गया है। तो आप देखिए इस तरीके से मायके में भी बना सकते हैं, आपको कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बैकग्राउंड आप कोई भी मायका का ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उस तरीके का मायके का कलर ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप इसमें मायका में भी बना सकते हैं। ये ग्लॉसी सरफेस होता है तो इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप उसको उसके बाद फ्रेम भी कर सकते हैं। तो ये ड्राई होने के लिए कम से कम 10 आवर्स से 12 आवर्स तक लेता है, तो उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई होने दीजिए। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। और आपको ग्लास पेंटिंग के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके वो देख सकते हैं कि आप ग्लास पेंटिंग को किस तरीके से बिगिनर्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से ये आती है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।